आज हम नेग्लेरिया फॉलरी, ब्रेन ईटिंग अमेबा, दिमाग को खाने वाला अमेबा वायरस, इसको आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अपने लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले देख लेते हैं नेग्लेरिया फॉलरी डिजीज़ है क्या, कैसे फैलती है। जनाब ये एक ब्रेन ईटिंग अमेबा है जो कि आपकी नाक के ज़रिए, नाक के आखिर में होती हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स। अगर आखिर तक वो पानी कंटेमिनेटेड चला जाता है तो फिर ये अमेबा उस नर्व्स के ज़रिए आपके दिमाग तक जाता है और दिमाग के सेल्स को डैमेज कर देता है, तबाह कर देता है, जिससे आपको चंद घंटों में ही आपकी डेथ हो सकती है। ये है नेग्लेरिया फॉलरी ब्रेन ईटिंग अमेबा। अब ये वायरस जो अमेबा है पाया कहाँ कहा जाता है जनाब, ये चश्मों में, झील में और स्विमिंग पूल्स में ये पाया जा सकता है। इसके अलावा अब इसकी अलामात देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी अलामात हैं। आपको बहुत तेज़ बुखार होगा, आपकी गर्दन अकड़ जाएगी यानी कि हरकत नहीं कर सकेगी। इसके अलावा आपको फोटोफोबिया हो जाएगा, रोशनी से आप जो है ना आपको डर लगेगा। इसके अलावा आप अपना बैलेंस खो देंगे, चक्कर आएंगे आपको, आपको उल्टी भी, आप वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा आपके जो दौरे हो सकते हैं, आपको आप कोमा में भी जा सकते हैं क्योंकि डैमेज आपका दिमाग सेल को, ब्रेन सेल को डैमेज कर रहा है वो वायरस, जिससे ये सारा कुछ अलामत आपको ज़ाहिर होंगी। ये 1 से 9 दिन के अंदर जैसे ही आपको ये वायरस हुआ है, एक्सपोजर आपके इसके साथ हुआ है, तो 1 से 9 दिन के अंदर अलामत आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपकी अगर अलामत पूरी हो गई तो अब मुश्किल है, बचना बहुत ही मुश्किल है। ये इसकी अलामत हैं। अब इसका इलाज देख लेते हैं। एंटी फंगल मेडिसन एम्फोटेरिसिन बी से इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं कुछ, लेकिन अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। अगर एक दफ़ा आपको ये बीमारी हो जाती है तो बचना फिर मुश्किल ही है। तो सिर्फ इससे बचाव आप बच ही सकते हैं, बचाव के तरीके अपना कर अब वो देख लेते हैं, इससे हम अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। ये नाक के ज़रिए से आपके जाते हैं। अगर आप पानी वो कंटेमिनेटेड पी लेते हैं अमेबा वाला, तब आपको कोई नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर नाक के अंदर से आखिर तक आप पानी डालते हैं, अगर उस पानी में अमेबा है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो आपने स्विमिंग पूल में अगर जंप लगाने हैं, तैराकी करनी है, तो आपने नोज़ जो है ना क्लिप्स वो लगाने हैं ताकि आपकी नाक के अंदर पानी ना जाए। सिर्फ यही तरीके हैं कि आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं। पाकिस्तान में खसूसन कराची में ये वायरस पाया गया है, उसके बहुत से केसेस आए हैं। तो वो लोग खसूसन एहतियात करें कि अगर नहाना भी है उन्होंने तो नोज़ क्लिप लगाएं, और जो तालाब हैं, स्विमिंग पूल हैं या घरों में जिन्होंने हॉट टब रखे हुए हैं, वो लोग क्लोरीन का रेगुलर इस्तेमाल करें। क्लोरीन इसको तबाह कर देती है, इसको जो है ना ख़त्म किल कर देती है क्लोरीन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी नेग्लेरिया फॉलरी दिमाग को खाने वाला वायरस। अगर आप तो एक आप तो को आपको एक दफ़ा हो गया तो फिर पूछना आपका मुश्किल है। सिर्फ इससे परहेज़ कर सकते, एहतियात कर सकते ताकि आपको ये बीमारी ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।